स्वागत है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम करण है और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो है फ्रेंड्स पुर्तगाल के होटल के बारे में। और आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो बता दूँ आप कम से कम कितने में होटल मिलने वाला है आपको, तो इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं, है ना। तो पुर्तगाल कहीं भी किसी भी देश जाने से पहले आपको सारी चीज़ें पता करके रखनी पड़ेगी, बजट तय करके रखना पड़ेगा। चलिए वीज़ा हो गया आपका, फ्लाइट का हो गया, ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। अब तो ऐसा है कि अगर आप कहीं जाते हैं किसी भी देश में तो आपको मिनिमम अमाउंट बैंक में रख के जाना पड़ता है। ये वहाँ की जब आप भी एम्बेसी जाएंगे या वीज़ा इशू करवाने जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर समझा देंगे, ठीक है, वो आपको बता दें कि इतना अमाउंट होना चाहिए आपके बैंक में, तब आप जो है यहाँ के लिए जा सकते हैं, वीजा अलाउ कर सकते हैं या फ्लाइट पकड़ के आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो पुर्तगाल के होटल के बारे में बता दूँ आपको, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार सारे स्टार मिलने वाले हैं, वो हर देश में मिलते हैं। पुर्तगाल में 1 स्टार भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी प्राइस आपको 600 साढ़े 600 रुपये से स्टार्ट, 644 रुपये जो है। और 1 स्टार का 2 स्टार का आपको 1300 समथिंग से स्टार्ट है, 3 स्टार का आपको 1800 2100 ऐसे से स्टार्टिंग में है, और 4 स्टार का आपको 3000 2500 के बीच से स्टार्टिंग में है, और 5 स्टार में आपको 3000 3500 3600 और 7000 8000 15000 20000 तक भी आपका 5 स्टार में आपको मिलने वाला है। तो मिनिमम बता दूँ आपको 644 रुपये जो है पुर्तगाल के होटल की प्राइस है, वहाँ पे आप बुक करके आप वहाँ पर नाइट हिसाब से रुक सकते हैं 644 में। बट मैं हमेशा सेफ्टी की बात करूँगा, तो सेफ्टी के लिए आपको 1 स्टार 2 स्टार नहीं प्रेफर करना है, आपको 2 स्टार से ऊपर रहना है। 3 स्टार तो 3 स्टार आपको 2600 2700 में अच्छा खासा पर नाइट हिसाब से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अगर इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ा भी जानकारी मिली है आपको तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को नए वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।